देवास जिले के खातेगांव में आज से कील कोरोना अभियान की शुरुआत हो गई है। यह अभियान 1 जुलाई से 15 जुलाई तक चलेगा। आज से खातेगांव में कील कोरोना अभियान को हरी झंडी दिखाई गई है, जिसमें दो टीमें बनाई गई है, जिसमें एक टीम घर घर जाकर सर्वे करेगी और दूसरी टीम सर्वे में मिलने वाले मरीजों की स्क्रीनिंग करेगी। साथ ही साथ सर्दी बुखार वाले मरीजों को भी ढूंढा जाएगा। तहसील में लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग होगी। खातेगांव से सादिक खान की रिपोर्ट। कोरोना जो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक अभियान चलाया जा रहा है, इसे दो तरह की टीम बनाई गई है। एक घर घर सर्वे करेंगे, दूसरे दिन सर्वे में जो मरीज मिलेंगे उसका स्क्रीनिंग करके उनको कोरोना संबंधित 3 तरह की बीमारियां हैं। इसमें एक सर्दी खांसी बुखार वाले जो सस्पेक्टेड केस निकलेंगे, उसके साथ में मलेरिया और डेंगू के केस भी ढूंढेंगे। इसमें प्रदेश सरकार ने कोरोना से मुक्ति मिलाने के लिए कील कोरोना नाम से एक अभियान प्रारंभ किया है। वो पूरे अभी आज से प्रारंभ किया, 1 हफ्ते तक पूरे प्रदेश में चालू रहेगा। और एक टीम बनाई गई जो पहले स्वास्थ्य परीक्षण करेगी और स्वास्थ्य परीक्षण में जो भी खांसी सर्दी से जो से पीड़ित पेशेंट हैं उनको दूसरी टीम जाके उनका स्वास्थ्य परीक्षण करेगी। कलेक्टर साहब के निर्देश में मीटिंग में निर्देश दिए गए थे कि आदेश दिए गए थे और एसपी साहब के निर्देश अनुसार सघन में मतलब पूरे शहर में प्रचार में शुरू कर दिया। दवाई का छिड़काव, कीटनाशक दवाई और सैनिटाइजर का छिड़काव पूरे निरंतर चलता रहेगा। सर, क्या पूरे नगर के पूरे वार्ड में होगा ये? नगर के लोगों की सुरक्षा के लिए, उनकी बीमारी से बचाव के लिए पूरे नगर में चलेगा। सर, तालाब की पाल पर एक समस्या आ रही है, वहाँ पर बहुत पौधे जो है आ गए हैं और पानी निकलने की निकासी नहीं हो पा रही, और जो नाले हैं उनमें भी ज्यादा समस्या रही कचरों की, तो उसके लिए हम टीम बैठे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।